कह देना कि मैं तैयार होकर आता हूं। सुमन घर पर है इसीलिए तो तुम आई हो, वरना जब तक हम अकेले थे तुमने हाल भी नहीं पूछा। अरे कभी अपनी सहेली के भाई के लिए भी तो थोड़ा वक्त निकाल लिया करो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी बात का जवाब किसी भी शरीफ लड़की का थप्पड़ दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें जलील करके अपनी सहेली को रुसवा करना नहीं चाहती। बस हुमा, यूं समझ, नजरें मिली और दिल खो गया। पता नहीं अब कभी मुलाकात होगी या नहीं। वो हीरो तेरी फुफेरी बहन की शादी में आया था, राइट? राइट। वो दूल्हे के साथ साथ था, यानी कि वो लड़के वालों की तरफ से आया था, राइट? अरे राइट की बच्ची, ये सब तो मुझे भी पता है। ये बता कि उससे मुलाकात कैसे हो सकती है। बताती हूँ। तू दिल का कागज ले, प्यार का कलम बना और अपने आंसुओं की स्याही से अपने फुफेरी बहन को लिख कि तेरी शादी में तेरे मियाँ के साथ जो हीरो था वो कौन था, वो कहाँ से आया था, उसका नाम पता क्या है। बस पोस्टमैन, ये सुमन आपका नाम है जी? ये आपका लेटर। कंचन रावत। प्यारी बहन सुमन, तेरे खत का जवाब लिख रही हूँ। तू जिसके लिए बेकरार है वो भी तेरे लिए उतना ही बेचैन है। बहुत प्यारा लड़का है राजू, उसका नाम पता लिख रही हूँ। जल्दी से अपने दिल का हाल लिखकर भेज दे। गुड लक, तेरी बहन कंचन। नमस्ते माजी। नमस्ते। भाग तो ऐसे रही है जैसे कोई खजाना हाथ में है। ऐसे कुछ है क्या जी? कुछ नहीं। उमा घर में है? हाँ है। तू बैठ, मैं बाजार से आती हूँ। जी बाय। ये लो, सूरज सर पर चढ़ गया और ये महारानी अभी तक सो रही है। उमा उठ, उमा। तुम बड़ी तेज है रे तू। फुफेरी बहन की शादी में किसी को दिल दे बैठी और यहाँ आई तो मेरे भाई पर डोरे डाल दिए। भाई? अरे हाँ, ये मेरा भाई है राजू। 15 साल बाद आया है, मामा जी के पास पढ़ने गया था। सुबह 4 बजे आया है इसलिए अभी तक सो रहा है। ये वही राजू है? वही राजू नहीं, यही राजू है। Huh?